आज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या प्रथम गुरुवार 14 सितंबर 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के दर्शन करें, आइए कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। आज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या प्रथम है, इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। आज इसे कुश ग्रहणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन उखाड़ी गई धूप निसत्व नहीं होती है, इसे आवश्यकता अनुसार अर्थात ग्रहण आदि के समय उपयोग में लिया जा सकता है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी है, अतः परसों भाद्रपद शुक्ल एकम से राधा अष्टमी की बधाई प्रारंभ होती है, जिसके तहत परसों से प्रभु श्री जी में अष्ट सखियों का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस भाव से 8 दिवस तक नित्य नूतन श्रृंगार भोग और कीर्तन गान होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग में राधा जी को श्री स्वामिनी जी स्वरूप मानते हुए प्रभु की अर्धांगिनी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाया जाता है। श्री राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, यह तो हम जानते ही हैं। षोडश कलायुक्त प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिनका अर्धांग श्री राधा है, अतः 8 दिवस की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी की भी 8 सखियां हैं, इस भावना से 8 दिवस की यह झांझ की बधाई कहलाती है। आज के दिवस की एक और विशेषता है, पुष्टि मार्ग में आज की अमावस्या जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहां पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान हैं और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए। फिर आज की इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार आज के दिन भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थीं तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की ओर रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा।
माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नजर न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गी हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है। आयो है अवधूत जोगी कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूट में गंग बिराजे गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन और सोहे रुंड माला, अर्ध चंद्र ललाट बिराजे ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते वृषभ किए अस्वारी, कहे यशोदा सुनो सखियों इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो इनको बालक मति दिखाओ, अंतर्यामी सदा शिव जान्यो रुदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावन लाई यशोदा अंतर पट दे आड़ो, हाथ जोरी शिव स्तुति करत है लालन वदन उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन है ये। आइए असवार होई के शिगो कुल को कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। हे दैया मत वाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटाजू सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर पेंजनिया और बिछिया धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है मंगलकारी है ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग एवं
पीले रंग की लहरिया की मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटाजी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करें। श्री जी को आज श्याम एवं पीले रंग के लहरिया के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा भी रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर जो ठाड़े वस्त्र आज धराए गए हैं वह गुलाबी रंग के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार बाजूबंद पौची हस्त सांखला कड़े मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को जो माला जी धराई गई हैं उनमें स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के पदक भी लगे हुए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को श्याम एवं पीले लहरिया की किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है, जिसके साथ मोतियों से सिद्ध की हुई लूम भी धराई हुई है। बाईं ओर आभरण से मिलवा ही शिश फूल भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत पीले लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट गुलाबी रंग का रूपहरी किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है।
आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई है, जिस पर सुंदर कलात्मक कार्य किया हुआ है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसका अवलोकन करें तो मंगला में चोरियोरी मन माखन, आज हरी पकड़ न पाए चोरी, श्रृंगार में जसुमती दधी मंथन कर बैठी, राजभोग में तेरे री लाल मेरो माखन खायो, उत्थापन में देख सखी मणि खम्ब निकट, आरती में महर पूत तेरो कैसे हूँ, यहाँ लो नेक चलो रानी जो, शयन में मोहन माखन चोरी करत, पोड़वे के पद में गृह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी की भोग सेवा की कुछ और विशेषताएं भी हैं। प्रातःकालीन सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं, तो सायंकालीन सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हे दैया मत वाला जोगी, द्वार मेरे आया है, हे दैया मत वाला जोगी, द्वार मेरे आया है, जटा जूट सिर गंग बिराजत, त्रैलोचन मन भाया है, जटा जूट सिर गंग बिराजत, त्रैलोचन मन भाया है, वृषभ ऊपर असवार हो असवार होइ के श्री गोकुल को, बागंबर पाटंबर सो अंग छार लपटाया है, बागंबर पाटंबर सोहे अंग चार लप काया है, पर त्रिशूल डमरू लिए खापर शिंगीनाद बजाया है, पर त्रिशूल डमरू लिए खापर शिंगीनाद बजाया, धतूरा खाया है, अरुण नैन बिजिया जू चढ़ाए आक धतूरा खाया है, तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है, तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बना,
नाग लपटाया है कुंड माल घर बीच विराजत शेष नाग लपटाया है अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है अद्भुत रूप धरो चटक लगाया है और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है सूर श्याम चरणन रज बंदी दर्शन में सचु पाया है सूर श्याम चरणन रज बंदी दर्शन में सच पाया है हे हे गैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है हे तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगा अरे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है दूर शाम चरणन जीवंगी दर्शन में सतु पाया है चरणन रज बंदी दर्शन ने सच पाया है हे गैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है हे गैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है जटा झूठ शिरगंग विराजत त्रैलोचन मन माया विराजत त्रैलोचन अनवाया और प्रसव ऊपर अतवार गोय के श्री गोकुल को गाया है और प्रसव ऊपर अतवार गोय के श्री गोकुल को गाया है हे दया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है आज के लिए बस इतना ही हम कल फिर मिलेंगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना धन्यवाद जय श्री कृष्ण।